तो जब हम बोलते हैं कैपेसिटर सीरीज में है, तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और ये तीसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक, ये आपके सामने एक बैटरी है, बड़ा और छोटा टर्मिनल मैंने बैटरी का ड्रॉ कर दिया, और सच दैट ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस के बीच में नेट पोटेंशियल डिफरेंस वी है। जैसे बैटरी 10 वोल्ट की है तो मतलब प्लस और माइनस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, पर हम इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको। आपने जैसी बैटरी कैपेसिटर के साथ कनेक्ट की तो ध्यान से देखना क्या हुआ, दो बार कह दिया इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, समझ लो बात को, कि ये नेगेटिव है। इंपॉर्टेंट ये है, इस वायर की कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, ये एक भी पोटेंशियल है, और ये मेटल की प्लेट है, तो जितना पोटेंशियल यहां पे होगा एग्जैक्टली उतना पोटेंशियल यहां पे भी हो जाएगा। जैसे मान लो, एक मिनट के लिए मैं थोड़ा और डिटेल में बता देता हूं, कि अगर इसका पोटेंशियल वी वन है और इसका पोटेंशियल वी टू है, तो इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल और इनका डिफरेंस वी है, तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल वी वन है तो यहां का पॉइंट का पोटेंशियल भी वी वन हो जाएगा। इक्वी पोटेंशियल है ना, रेजिस्टेंस तो है नहीं बीच में, अगर रेजिस्टेंस होती फिर ना वी वन होता, वी वन से डिग्रीज हो जाता। तो यहां पर अगर वी टू है तो यहां पर भी वी टू है, अगर ये नेगेटिव पोटेंशियल है माइनस, तो ये पोटेंशियल यहां पर भी ऑटोमेटिकली कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये माइनस विल जनरेट अ माइनस पोटेंशियल, माइनस पोटेंशियल के लिए नेगेटिव चार्ज चाहिए, और ऐसे ही ये प्लस है तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। और आसान और बेटर तरीके से समझा सकता हूँ, बैटरी का काम सिर्फ चार्ज को घुमाने का है, वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। बैटरी ने देखा तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन उठाए, उठा के यहाँ दे दिए, इधर के उठाए और उधर पास कर दिए, देखो तो ये क्या हो गया, डेफिशिएंसी, ये क्या हो गया, एक्सेस। तो इससे पूछा तेरा कितना चार्ज है, ये बोला जी क्यू चार्ज गया मेरा, मैं डेफिशिएंट हो गया, प्लस क्यू कहाँ गया, इधर आ गया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू। ठीक हो गया, बैटरी का इतना ही काम था, हेर फेर करना, कर दिया। अब बाकी काम कैपेसिटर खुद कर लेंगे, कैसे, सब इक्विपोटेंशियल मेटल की प्लेट्स हैं, बाय इंडक्शन प्लस ने क्या जनरेट कर दिया, माइनस क्यू, सारे इलेक्ट्रॉन खींच के यहां ले आया, तो यहां पर क्या हो गई, डेफिशिएंसी, प्लस क्यू। फिर हुई इंडक्शन, प्लस क्यू ने क्या जनरेट किया, माइनस क्यू, इसके सारे इलेक्ट्रॉन यहां ले आया, तो यहां पर क्या हो गई, डेफिशिएंसी, प्लस क्यू। इंपॉर्टेंट, जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो चार्ज हर कैपेसिटर पे क्या होता है, सेम। ये आपके सामने है, रीजन ऐसा क्यों है, लोग तो याद करते हैं चार्ज सेम कर दे, समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है, कैसे बैटरी ने सिर्फ एक स्टेप लिया, इधर के इलेक्ट्रॉन उधर खिसकाए और देखो पूरी गड़बड़ हो गई, और चाहे 100 कैपेसिटर लगा दो, इंडक्शन से चार्ज सेम होता जाएगा। पहला रूल क्लियर है। अब ये जरूरी नहीं है कि कैपेसिटेंस सबकी सेम होगी, किसी की स्टोरेज की कैपेसिटी ज्यादा है, किसी की कम है। तो अगर मैं फर्स्ट कैपेसिटर की बात करता हूं यहां पे, इस कैपेसिटर की, इस कैपेसिटर में अगर मैं ये बोलूं कि पोटेंशियल डिफरेंस, ये लो मैं हटा रहा हूं, ये सब समझाने के लिए था, अगर मैं ये बोलूं इनका पोटेंशियल डिफरेंस नेट, इस दोनों का डिफरेंस वी है, और इन दो प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस वी वन है, इन दो प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस वी टू है, इन दो प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस वी थ्री है, मुझे कैसे पता लग रहा है कि वी वन वी टू वी थ्री डिफरेंट आएगा, सेम नहीं आएगा? क्या आपका सेम आता हो, मुझे नहीं पता, पर मैंने ऐसे ज्यूम क्यों किया, तो ओके कब सेम आएगा कब सेम नहीं आएगा, क्या देखोगे कि सेम आ जाए, क्या देखोगे सेम नहीं आएगा? इसलिए इसमें गारंटेड सेम नहीं आएगा, क्योंकि इस कैपेसिटर का जो चार्ज है क्यू इज सी वन इन टू वी वन, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता था, क्यू बाई सी होता था। सेकेंड कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है ये लो, तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए वी वन की वैल्यू क्या होगी, क्यू डिवाइडेड बाय सी वन, ठीक है। सेकेंड के लिए क्यू तो सेम है पर सी डिफरेंट है, थर्ड के लिए क्यू तो सेम है सी डिफरेंट है, तो कैसे सेम होगा, जब सी वन सी टू सी थ्री डिफरेंट होगा तो वी वन वी टू वी थ्री भी डिफरेंट होगा। लेकिन जिन क्वेश्चन में सी वन सी टू सी थ्री बराबर होंगे उनमें वी वन वी टू वी थ्री भी ऑटोमेटिकली बराबर ही आ जाएंगे। तो समझ में आ रहा है इसमें सेम क्यों नहीं होगा। लेकिन
यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस वी वन, यहां पर वी टू, यहां पर वी थ्री, और टोटल कितना वी, ये खुद थोड़ा जनरेट करेगा पोटेंशियल डिफरेंस, सारा तो बैटरी कर रही है। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, वी वन वी टू एंड वी थ्री। सीरीज के अंदर चार्ज सेम रहता है, सभी कैपेसिटर्स पे सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं रहता। तो जितना भी नेट पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है वो डिवाइड हो जाता है वी वन वी टू वी थ्री में, सच दैट वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, जैसे आप रेजिस्टर में भी करते थे वी इज वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, और करंट सीरीज में सेम रहता है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो लॉजिक समझ में आ रहा है यहां तक, क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक। अब कोई कहता है कि नहीं सर और डिटेल, चलो जी और डिटेल सही, देखो ये ऑप्शनल है प्लीज, वहां तक जो समझाया मोर देन सफिशियंट है, आना उतना भी नहीं है, लेकिन चलो और डीप समझते हैं। देखो डीप मैंने ऐसे किया, ऑप्शनल है प्लीज, ये प्लस और माइनस बैटरी, जीरो और वी वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का वी माइनस जीरो, ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये माइनस, चार्ज तो बराबर होगा, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है, अगर ये वी वोल्ट पे है तो ये टर्मिनल भी किस वोल्ट पे आएगा, वी वोल्ट पे आएगा, और अगर ये जीरो वोल्ट पे है तो ये भी जीरो वोल्ट पे आएगा, ठीक हो गया। अब मान लो ये आपस में कनेक्टेड है, दो प्लेट्स, इक्विपोटेंशियल है, अपने मन से मान लिया कि इसका पोटेंशियल वी डैश है तो इसका भी वी डैश होगा, कनेक्टेड है एक वायर के साथ जिसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इक्विपोटेंशियल है वी डैश वी डैश। मन से मान लिया इसका वी डबल डैश तो इसका भी वी डबल डैश हो गया। अब वी माइनस वी डैश की जगह इमेजिन करो पोटेंशियल डिफरेंस कितना वी वन है, इसमें वी डैश माइनस वी डबल डैश में पोटेंशियल डिफरेंस वी टू है, और इसमें वी डबल डैश माइनस जीरो में पोटेंशियल डिफरेंस वी थ्री है। अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा तो देखो मैंने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया वी वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री के इक्वल है, ठीक। विश्वास कर लें कि v v1 प्लस v2 प्लस v3 है तो आप इस चक्करों से बच जाते हैं, इतना विश्वास तो आप मेरे को कर ही लेंगे, तो आप इस चक्करों से बच गए, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये चार्ज की वैल्यू सीरीज में क्या रहेगी, सेम। फर्स्ट कैपेसिटर के लिए v1 क्या होगा, q बाय c1, सेकेंड के लिए q बाय c2, नेक्स्ट के लिए q बाय c3। अब v किसके इक्वल है, v1 प्लस v2 प्लस v3, तो इसमें V1 की जगह Q by C1, Q by C2, Q by C3 ये टर्म आ गई। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब ये होता है कि तीन कैपेसिटर की जगह एक कैपेसिटर लगाना जो वो काम करे जो तीन मिलके करते हैं। तीन मिलके क्या करते हैं, चार्ज स्टोर करते हैं, कितना करते हैं, Q करते हैं, हर कोई तो Q कर रहा है। तो तीन की जगह अगर मैं एक कैपेसिटर लगा दूं जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी एस, ये भी Q चार्ज स्टोर करेगा, बैटरी का पोटेंशियल इसका भी वी है, तो Q इज इक्वल टू सी एस इन टू वी एक कैपेसिटर के लिए इक्विवेलेंट के लिए। तो यहां से V बाय Q की वैल्यू क्या है, वन बाय सी एस, रिप्लेस कर दिया वन बाय सी एस। तो फिर लिखो फॉर्मूला रजिस्टर में, कैपेसिटर्स इन सीरीज का फॉर्मूला, कैपेसिटर्स इन सीरीज में वन बाय सी एस इज वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू प्लस वन बाय सी थ्री, ये पहला फॉर्मूला। नेक्स्ट ये भी लिखो, कैपेसिटर इन सीरीज में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V किसके इक्वल है, V1 प्लस V2 प्लस V3, दूसरा फॉर्मूला। एंड तीसरा, चार्ज की वैल्यू क्या रहती है सीरीज में, सेम, ये भी याद रखें। ये तीन चीजें आपने इसमें नोट करनी है, क्लियर है यहां तक आपको? ये प्रूफ मुझे पता नहीं आएगा नहीं आएगा, आएगा तो अप्लाई करना ही आएगा, पर मेरा मोटिव है आपको बताना कि एक्चुअल में चीजें चल कैसे रही हैं, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप किस लेवल पे काम करते हो, ठीक है। मतलब कल को फंस भी सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, चार्जेस कैसे चल रहे हैं और पोटेंशियल्स कैसे चलते हैं, ठीक। और लास्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो बड़ा आसान है, बस पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है मुझे सिर्फ ये बता दो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपके पास ये एक सॉकेट है जिसमें आपको वो कोई मान लो जैसे कोई भी एक सॉकेट है, एक्सटेंशन बोर्ड,
अब इसके अंदर आपको एक बल्ब ऑन करना है, एक बल्ब है, आप बल्ब लेके आए, आपने एक तार इसमें लगाई, एक तार इसमें लगाई, और पोटेंशियल डिफरेंस ये वी वन है, ये वी टू है, तो इन टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी वन माइनस वी टू, ठीक है। तो क्योंकि ये तार यहाँ पे कनेक्टेड है, ये तार यहाँ पे कनेक्टेड है, तो बल्ब के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी वन माइनस वी टू, क्योंकि सॉकेट में से लगा दिया। अब एक और बंदा आया, वो कहता है जी मेरे को तो बल्ब के साथ एक मान लो एक मिक्सी भी चलानी है जी, मेरे को साथ इकट्ठी चलानी है, और मेरे पास बट कोई सॉकेट तो है नहीं। मैंने कहा काम कर, तार को छिल, वो देसी जुगाड़ छिल के इसी में लगा दे। तो उसने भी ये किया, वो कहता ऐसा कर लेते हैं, ये एक तार लगा दी, ये लो मेरी मिक्सी भी इसमें ऑन हो गई। तो वो कैसे हुई, क्योंकि ये वी वन है और ये वी टू है, तो इसको भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल गया, वी वन माइनस वी टू। क्योंकि जैसे अगर मान लो ये सॉकेट 220 वोल्ट का है, तो इसको 220 मिला, इसको भी 220 मिला, तो बराबर हो गया। कोई तीसरा आया, वो कहता जी मेरे को भी एक और मशीन चलानी है, अब जगह दो मेरे को भी, जगह तो है ही नहीं, भाई तू भी यही चला ले, तू भी तार को यहाँ पे लगा ले, ये लो एक और मशीन चला दी उसने। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी वन माइनस वी टू, इसका भी वी वन माइनस वी टू, ये सब किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल। भाई सीरीज कैसे है, सीरीज में तो एक के बाद एक के बाद एक लगती है, पैरेलल। पैरेलल की निशानी ये है, पोटेंशियल डिफरेंस सारी मशीन्स का क्या रहेगा, सेम, ये पैरेलल की निशानी है। तो इसमें ये कैपेसिटर्स हैं पैरेलल, और कैपेसिटर्स बैटरी के साथ यहां कनेक्टेड है वी एंड जीरो। बैटरी की वायर तो है नहीं, कि अगर ये वी है तो ये जंक्शन वी है, ये जंक्शन वी है तो ये इक्विपोटेंशियल प्लेट्स है, तो वी 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 है, ये जीरो वोल्ट है तो जंक्शन जीरो वोल्ट पे है, ये सारी प्लेट जीरो जीरो वोल्ट पे है, पोटेंशियल डिफरेंस वी माइनस जीरो है, इसका भी वी माइनस जीरो है, इसका भी वी माइनस जीरो है, इसका भी वी माइनस जीरो है, तो तीनों कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल। तो रूल नंबर वन, कैपेसिटर्स पैरेलल में अगर कनेक्टेड हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सभी का क्या रहेगा, सेम। और चार्ज की, चार्ज के बारे में क्या ख्याल है, इसका जो चार्ज होगा वो क्यू माने सी वन इंटू वी, क्योंकि वी सेम है, सी थोड़ी ना सेम है, तो चार्ज इस पर डिफरेंट आएगा, सेकेंड का भी डिफरेंट आएगा, थर्ड का भी डिफरेंट आएगा, तो टोटल जो चार्ज होगा पूरे कैपेसिटर पे वो सम ऑफ क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री होगा। तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, चार्ज डिफरेंट है, सीरीज में चार्ज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है, उल्टा हो गया काम। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई Q1 की जगह C1V, C2V, C3V, यहां से कॉमन V निकाल के नीचे ले आए। अगर ये तीन कैपेसिटर की जगह एक कैपेसिटर लगाया जाए जो सेम काम करे, तो तीन मिलके करते हैं, तीन मिलके क्या स्टोर करते हैं, चार्ज, कितना Q, CP वैल्यू है, तो यहां पर Q इज इक्वल टू CP इंटू V, Q बाई V की जगह CP, तो Q बाई V की जगह CP। तो पैरेलल का फॉर्मूला याद रखना है, इक्वलेंट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। सीरीज का फॉर्मूला क्या है, सीरीज में क्या चीज सेम रहेगी, चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस वी क्या होगा, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। सीरीज का फॉर्मूला क्या रहेगा, वन बाय सी इज वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू प्लस वन बाय सी थ्री। पैरल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लो, पैरल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम, चार्ज डिफर करेगा, और इक्वलेंट कैपेसिटेंस सी वन प्लस सी टू प्लस C3। इसके न्यूमेरिकल नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करें।